डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के फिजिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म करेंगे। प्रिज्म इज ए पार्ट ऑफ ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास एनक्लोज्ड बाई टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल। These surfaces are called the refracting surfaces and the angle between them is called refracting angle or the angle of prism. The section cut by a plane perpendicular to the refracting surfaces is called the principal section of the prism. The line joining the two refracting surfaces is called the refracting edges. देखिए, ये हमारा ABC एक triangular prism कहलाएगा। ये ग्लास का बना हुआ है, ये इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहलाते हैं। ये इसमें हमने क्या किया, इंसिडेंट रे है, ये इसे टकराने के बाद, ये से टकराने के बाद इसके बेस की तरफ को झुक जाती है। फॉर वन एंड ओनली वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द प्रिज्म प्रोड्यूस मिनिमम डेविएशन। This least angle of deviation is called the angle of minimum deviation. The refractive index of material n बराबर साइन ए प्लस गामा डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। Dispersion of white light through a prism. Student, हमने इस prism पर एक white light हमने incident की, इसे टकराने के बाद ये ऐसे ना जाके ये एक एंगल पर ऐसे झुकी और ये सात रंगों में हमारी विभक्त हो जाती है, बट जाती है। जो यदि हम स्क्रीन पर लेंगे तो ये रंग हमें दिखाई देते हैं। व्हेन ए रे ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, ये अपने पाथ से थोड़ा सा झुक जाती है एंड बेंड्स टूवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म और बेस की तरफ झुक जाती है। इफ दिस रे इज वाइट लाइट ऑफ द सन एज सून एज इट डेविएट्स इट इज स्प्लिटेड इन द रे ऑफ डिफरेंट कलर द ग्रुप ऑफ द डिफरेंट कलर सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग वाइट लाइट इन टू इट्स कंस्टिट्यूंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। भैया बहनों, हम देखते हैं कि सबसे ऊपर जो कलर होगा वो रेड है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, और हम इन्हें नीचे से ऊपर की ओर जो याद रखते हैं वो हम इसे विब ग्योर से याद रखते हैं। वी आई बी जी वाई ओ आर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी